हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग 1। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने वाला है। मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है इन्वेंटरी कंट्रोल माल सामग्री अंकुश। ऑलरेडी चैप्टर का एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें लेटेस्ट 2019 के सम्स का सॉल्यूशन किया हुआ है। रिक्वेस्ट है वो पहले जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम 2018 में इस चैप्टर का जो सम्स पूछा गया है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख रहे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है, इस टाइप के सम्स मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए। सम्स की खासियत क्या है कि यहाँ पर अपनों को हमें जो है टोटल कॉस्ट निकालना रहता है, कुल खर्च निकालना रहता है। साथ में हमारे पास दो ऑफर होती है, एक तो विदाउट डिस्काउंट वटाव के बिना और एक विद डिस्काउंट, ठीक है, वटाव के साथ। दोनों के टोटल कॉस्ट में क्या डिफरेंस आता है वो हमें फाइंड आउट करना है और उसके बेस पर हम ऑफर जो मिल रही है डिस्काउंट के साथ वटाव के साथ वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे वो हमें फाइनल डिसाइड करना रहता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स, रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इस सम्स के बाद आप और सम्स प्रैक्टिस कर सकते हो बुक के अंदर, मैं बता देता हूँ। प्रैक्टिस करने के लिए एक तो सबसे पहले आप जो कर सकते हो वो इलस्ट्रेशन नंबर आप देखेंगे तो 3 और 16, ये दो सम्स इलस्ट्रेशन में जरूर चेकआउट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर की बात तो यहां पर 25 और 26, ये भी यूनिवर्सिटी का है, ये 2009 का है तो ये 2010 का है। प्लीज सॉल्व जरूर कीजिएगा इस सम्स के बाद, क्वेरी लगती तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, सम्स को पढ़ते हैं। यहाँ पर वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया है जो जो फाइंड आउट करना है। पहले तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, गुजराती वाले अपने पास बुक रखे हुए ना, मैं गुजराती में टोटल एक्सप्लेन करने वाला ही हूँ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसके थ्रू पता करेंगे कि हम कितना ऑर्डर दे रहे हैं, आर्थिक वृद्धि जतो। दूसरा मिनिमम टोटल कॉस्ट निकालना है, ठीक है, लघुतम महत्तम खर्च फाइंड आउट करना है। सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। पहला जो कंज्यूमशन दिया वपराश वो मंथली दिया हुआ, ध्यान रखिएगा मंथली लिखा गया, मासिक दिया गया, ऐसे हमको एनुअल का ही मतलब होता है। आगे जाकर ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दिया, ठीक है, ऑर्डर मुकवाना खर्च दिया पर ऑर्डर 15 रुपीज़, साथ में कॉस्ट पर यूनिट एकम डिट पड़तर भी दिया 10 और कॉस्ट ऑफ स्टोरेज दिया गया, संग्रह करवाना खर्च 15% दिया गया। और सबसे मेन यहाँ पर डिस्काउंट की बात की गई है जिसके थ्रू हमारे मिनिमम टोटल कॉस्ट इसका भी फाइंड आउट करना है और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो प्रेजेंट उसके अकॉर्डिंग भी फाइंड आउट करना है, तो दोनों के बीच का हमें कंपेयर करना है। तो 4% डिस्काउंट की बात की गई, परसेंट में चेंजेस हो भी सकता है सम्स में, ठीक है, कैलकुलेशन सेम ही रहेगा। 4% डिस्काउंट इज ऑफर बाय सप्लायर, सप्लायर के थ्रू जो है हमें 4% का डिस्काउंट वट आव ऑफर किया गया है फॉर परचेज इन द लॉट ऑफ 1800 यूनिट। बस यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम अगर एक साथ में कितना ऑर्डर देते हैं 1800 यूनिट का अगर ऑर्डर देते हैं एक ही बार में तो 4% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। तो आपको पता करना है कि ये ऑफर आपको एक्सेप्ट करनी ही चाहिए या नहीं। तो हम किसके बेस पर ही पता कर पाएंगे, वो टोटल कॉस्ट कुल खर्च हम इसका भी फाइंड आउट करेंगे और जो हमारा बेसिक जो रेगुलर है ऑर्डर देते उसका भी फाइंड आउट करेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे तब जाके हमारा डिसीजन हो पाएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट है विदाउट डिस्काउंट, जो हम रेगुलर प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो ऑर्डर देते हैं उसका पहले फाइंड आउट करेंगे और एक डिस्काउंट के साथ जो हमें ऑफर मिल रही है उसका टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो अब तीन चीज को आपको ऐड करना रहता है, एक होता है परचेस कॉस्ट खरीदीनो खर्च, दूसरा ऑर्डर ऑर्डर का खर्च, तीसरा कैरिंग निवाह खर्च। प्रीवियस वाला वीडियो भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले कैलकुलेशन करने से पहले हमें हमको क्या पता होना चाहिए, ये फर्स्ट प्रेजेंट के अंदर हमको पहले ईओक्यू पता होना चाहिए। ईओक्यू मतलब आर्थिक वृद्धि जत्थो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि हमको पता रहे कि हम लोग एक बार में कितना ऑर्डर देते तो आगे कैलकुलेशन करना हमारा आसान रहेगा। तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि सम्स में दिया गया नहीं है, तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा 2AO/C कंप्लीट रूट में, ठीक है, सबका मीनिंग समझते हैं हम। 2 तो हमारा फिक्स डिजिट है, इनटू में ए मतलब होता है एनुअल कंज्यूमशन, क्या होता है एनुअल कंज्यूमशन, वार्षिक वपराश। हमें कंज्यूमशन दिया जरूर गया, वपराश दिया जरूर गया, लेकिन मंथली दिया गया, एनुअल नहीं दिया गया, वार्षिक नहीं है, मासिक है। तो इनटू में इसके 12 करेंगे, कितना करेंगे 12, तो वार्षिक में कन्वर्ट हो जाएगा जो हमारी रिक्वायरमेंट बन जाएगी। मतलब हम लोग यहाँ पर 1500 मंथली मंगाते इनटू में 12 करेंगे तो 18000 यूनिट्स ये हमारी रिक्वायरमेंट बन जाती है, ठीक है, कंज्यूमशन जो हम वपराश करते हैं दोनों के अंदर इसी के अकॉर्डिंग हमारा खर्च बनने वाला है। ये बन जाएगा हमारा ए एनुअल कंज्यूमशन 18000 यूनिट। ओ मतलब होता है ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर कॉस्ट जो हम ऑर्डर मुकवानो खर्च जो हमें दिया गया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑर्डर मुकवानो खर्च 15 रुपीज़ दिया गया, वो हमारा ओ हो जाता है। अपॉन में सी, सी का मतलब क्या होता है कैरिंग कॉस्ट, क्या होता है कैरिंग कॉस्ट होता है निभाव खर्च या वहन खर्च होता है। जो हमें यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट जरूर दिया गया लेकिन परसेंट बोला गया है, नीचे परसेंट में जो जो खर्चे दिए गए होंगे एक नहीं दो तीन भी हो सकते हैं तो उनका परसेंट निकल के आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पे ओनली एक ही है, वो स्टोरेज का खर्चा है संग्रह का,
तो 15% निकाले तो 10 रुपीज़ का 15% कितना हो जाएगा, 1.5। चाहिए तो आप फॉर्मूले पी लगा सकते हो परसेंट जब भी दिया गया हो तब, पर डायरेक्ट समझ जाएगी 1.5 कैसा आया। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया ई ओ क्यू के फॉर्मूले में वैल्यू। अब इसको कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे तो रूट में मिलेगा 3,60,000 मिलेगा, और रूट जैसे निकालोगे आपको 600 यूनिट मिलने वाला है एकम। ये हमारा क्या बन जाएगा, वन टाइम ऑफ ऑर्डर, एक बार में हम इतना ऑर्डर देते हैं, 600 यूनिट का ऑर्डर देते हैं। क्लियर हुआ, अब स्टार्ट करते हैं सम्स। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना रहता है, ये विदाउट डिस्काउंट वाला है, ठीक है, जो हम रेगुलर ऑर्डर देते हैं उसकी बात कर रहे हैं। परचेस कॉस्ट, खरीदी खर्च, तो एक इस पर निकलता है जो टोटल रिक्वायरमेंट होगी ना हमारी, टोटल रिक्वायरमेंट या कंज्यूमशन, उसके बेस पर। तो 18,000 की हमको जरूरत होती है एनुअली, वार्षिक वपराश उस पर ही गिना जाता है। तो 18,000 इंटू में अब इसका कॉस्ट खर्च कैसे बनेगा, इतना माल तो हम खरीदेंगे तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट कॉस्ट देख लीजिए, एकम डीट पड़तर, ये इतनी एकम हम लोग को जरूरत होती है, और प्राइस कितना होता है, 10 रुपीज़ का होता है। तो टोटल खरीदी का खर्च है, परचेज का या मटेरियल का खर्चा समझ सकते हो 1,80,000 बनेगा। क्लियर हुआ फर्स्ट अमाउंट, ठीक है। अब आते हैं इसमें ऐड करना है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर नो खर्च। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको प्लस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्डर पता होना चाहिए कि हमने कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा, ठीक है, ऑर्डर की संख्या ये पता होना चाहिए। तो कैसे मिल जाएगा, टोटल रिक्वायरमेंट हमारी 18,000 की है, ठीक है। अब एक बार में ऑर्डर कितना देते हैं, यहाँ ई ओ क्यू इसलिए तो निकाला हमने, 600 का ऑर्डर देते हैं एक बार में, तो टोटल कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा तब जाके 18,000 का हमारा कंज्यूमशन जो है वो कंप्लीट होगा। तो 600 से डिवाइड कीजिए, आपको 30 ऑर्डर मिलेंगे, मतलब 30 बार आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, कितनी बार, 30 टाइम। अब हर एक ऑर्डर का हमको प्राइस दे दिया गया है, पर ऑर्डर का जो कॉस्ट है, खर्चा है, ऑर्डर मुकवानो खर्च, वो 15 रुपीज़ दे दिया गया। क्लियर है, तो अब इसका खर्चा आपको पता चल जाएगा। तो 15 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना बढ़ेगा, 30 × 15 450 का ऑर्डरिंग कॉस्ट बनेगा। क्लियर हो, समझ में आ रहा होगा आपको 30 कैसे फाइंड आउट किया। क्लियर है, नेक्स्ट और लास्ट खर्चा है कैरिंग कॉस्ट, निभाव खर्च या वहन खर्च भी इसको बोल सकते हैं। इसको निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, एवरेज इन्वेंटरी चाहिए होता है, इसलिए प्रीवियस वीडियो देखिए तो उसको पता होगा, ठीक है। एवरेज इन्वेंटरी हमको चाहिए होगा, मतलब इसे बोलते हैं सरेराश वपराश। क्यों निकालना पड़ता है, क्योंकि ये खर्चा एकम डीट होता है, पर यूनिट होता है इसके लिए। ये कैसे आता है, जो हम ऑर्डर दे रहे हैं, एक बार में ऑर्डर कितना, 600 का ही दे रहे हैं ना, उसको सरेराश कर देना है। सो सरेराश करने के लिए ऑलवेज डिवाइड बाय 2 करना है, इसी का सरेराश एवरेज करना रहेगा। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 300 यूनिट्स आने वाला है, ठीक है, एकम। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो कैरिंग कॉस्ट जो हमारा आ रहा है सी, कितना आ रहा है, 1.5, कैसे आया समझ गए होंगे, 10 का 15% जो हमारा स्टोरेज का खर्चा था वही वाला। तो 1.5 के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी देखिए 415 का खर्चा होगा कैरिंग निभाव का। आई होप आपको 300 यूनिट समझ में आया होगा, एवरेज इन्वेंटरी वपराश और 1.5, ये हमारा रेगुलर जो हम ऑर्डर देते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारा टोटल कॉस्ट आने वाला है, तीनों को प्लस कर लीजिए, 1,80,900 हमारा ये क्या बना, टोटल कॉस्ट बनने वाला है कुल खर्च, मतलब मिनिमम इतना तो हमारा लगेगा अगर हम 600 के अकॉर्डिंग ऑर्डर देते हैं तो, समझ गए, विदाउट डिस्काउंट। ये 600 के लिए फाइंड आउट किया, ठीक है, हम एक बार में 600 यूनिट का हम लोग ऑर्डर देते हैं विदाउट डिस्काउंट। अब विद डिस्काउंट, लेकिन ऑर्डर की संख्या बढ़ेगी पक्का है, तभी तो वो डिस्काउंट देगा। यहाँ पे 600 यूनिट ऑर्डर देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको दिया गया, बताया गया ऑलरेडी, ये ई ओ क्यू हमको दे दिया गया, आर्थिक वृद्धि जत्थो दे दिया गया है, कितना है 1800 यूनिट, और डिस्काउंट कितना परसेंट है, 4% है डिस्काउंट है हमारा, 4%, और ई ओ क्यू यहाँ पर कितना है हमारा, 1800 है, ये एक बार में हम इतना ऑर्डर देते हैं। क्लियर हो रहा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब इसी के बेस पर हम आगे इन तीनों के वही खर्चे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं परचेस कॉस्ट, खरीदी खर्च, ध्यान से समझिए कहाँ पर चेंजेस हो रहा है। तो टोटल जो रिक्वायरमेंट है मटेरियल की, वो तो 18,000 ही है, क्योंकि हमारा एनुअल वार्षिक कंज्यूमशन इतना ही है ना, इसके लिए वो बदलने वाला नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट तो 18,000 है। यहाँ प्राइस चेंज हो जाएगा, क्यों प्राइस चेंज होगा, क्योंकि 4% का क्या मिल रहा है आपको, डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 10 रुपीज़ था, 10 रुपीज़ जो था उसमें 4% लेस कर लीजिए, साइड में रफ फॉर्म दिखा रहा हूँ, 10 − 4%, 10 − 0.4 इज इक्वल टू 9.6। तो मतलब अब एक यूनिट हमारा हमको कितने में पड़ेगा, 9.6 में होगा, क्योंकि 4% का डिस्काउंट है, तो 4% हमने माइनस किया, समझ में आया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग परचेज की वैल्यू कम हो जाएगी, 1,72,800 हो जाएगा, समझ में आया होगा। आगे अगला खर्चा हमें
ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर का खर्चा। तो सबसे पहले इसके लिए क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्डर नहीं, संख्या वैसे फाइंड आउट करना है। टोटल रिक्वायरमेंट हमारे 18,000 की है ही, और एक बार में यहाँ पर ऑर्डर 1800 का देते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा ईओक्यू कितना है, 1800 है, एक बार में हम 1800 का ऑर्डर देते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर 10 निकलेगा, कितने बार, 10 बार ही हम ऑर्डर देंगे, संख्या कम हो जाएगी, वहाँ पे ज़्यादा होगी। बस मल्टीप्लाई आपको उसी का जो कॉस्ट दिया 15 रुपीज़ है, तो 15 ही करना, कि ऑर्डर देने का खर्चा सेम ही रहता है, बस नंबर ऑफ ऑर्डर थोड़े कम हो जाते हैं। यहाँ पर 150 का खर्चा होगा ऑर्डरिंग का, क्लियर हुआ। लास्ट जो खर्चा है हमारा कैरिंग का, फिर से समझ रहे होंगे कैरिंग के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज इन्वेंटरी निकालना पड़ेगा, ठीक है। सरेरास वपरास, जो कैसे आने वाला, जो हम ऑर्डर दे रहे हैं यहाँ पर कितना दे रहे हैं, ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है हमारी 1800 की, उसका सरेरास करने के लिए डिवाइड में ऑलवेज कितना करना है, 2 करना है, तो कितना आएगा, 900 यूनिट्स आएगा। अब यहाँ की प्राइस में भी डिस्काउंट इफेक्ट करेगा, कितना है भाई, हमारा कैरिंग कॉस्ट 1.5 रुपीज़ है, समझ रहे हो कैसे आया होगा, वही भूलना नहीं। 1.5 का हम लोग को लेस क्या करना है, 4% लेस करना है, तो 4% लेस करेंगे तो 1.44 हमारा यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट नया बन जाएगा, न्यू वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी कैरिंग कॉस्ट की। ये 1.44 कैसे आया समझ में आया होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको 1.44 का करना रहेगा, और इसके अकॉर्डिंग जो कैरिंग कॉस्ट है, वाहन खर्च 1296 बनेगा। तीनों कोस्ट निकल गए, यहाँ पे भी टोटल मार्क एक बार चेक कीजिए, टोटल कितना हो रहा है, 1,72,000, ठीक है, सॉरी 1,74,246 रुपीज़ हमारा टोटल कोस्ट बैठने वाला है, यहाँ पर टोटल कोस्ट लगने वाला है, कुल खर्च होने वाला ऑफर के साथ। अब आपको कैसे पता चलेगा ऑफर एक्सेप्ट करनी है कि नहीं करनी है, देखिए विदाउट ऑफर हमारा इतना खर्चा होता है और ऑफर के साथ इतना, तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा खर्चा सेव हुआ कि नहीं हुआ, बचत हुई कि नहीं हुई, ठीक है, ठीक है, सेव हुआ के बचत कितना हो रहा है, बचत 6,654 रुपीज़ का बचत हो रहा है। मतलब अगर आपका खर्चा जो है कम हो रहा है, तो आपको ये ऑफर क्या करनी चाहिए, एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपका खर्चा फिर भी बढ़ रहा है, तो आपको रिजेक्ट कर लेना चाहिए, समझ गए इन शॉर्ट में, ठीक है। प्लस में आ रहा है, मतलब आपको सेविंग हो रही है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, इसके लिए हम इस ऑफर को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, बस इतना आपको लिख लेना है, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट कम हो गया, इतना हमको सेव हो रहा है, क्लियर हुआ होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, इसकी रिगार्डिंग जो मैंने प्रैक्टिस करने के लिए 25, 26 और इल्यूस्ट्रेशन दिया, वो जरूर शॉर्ट आउट कीजिएगा, जिससे ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके अलावा और कोई सम्स का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, प्लेलिस्ट में जाकर और सारे वीडियो भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।